rahmatullah. So lot of students out there, you know, they are confused about the study material ke humne kaun sa study material follow karna hai, right? You know, kaun se questions practice karne hain, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ करना है या मतलब हमें कहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है, हमें कहाँ पे यू नो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करना है, राइट? हमने कहाँ पे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि यू नो अगर आप कोचिंग जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको जो मॉड्यूल्स मिलते हैं या वहाँ पे जो आपको पढ़ाते हैं ना, बहुत सारा जो है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी, यू नो, कभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जेई लेवल का भी पढ़ाया जाता है, बट नीट को जेई के साथ कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं है ना. तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको मैं क्लियरली एक मिनट में बोलूंगा कि आपने क्या पढ़ना है और उसी को आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द बायो. तो आपको बायो में जो है ना एक्सक्लूसिवली एंड ओनली एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है, ठीक है? सिर्फ एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है? कोई भी मॉड्यूल हो, कोई भी बुक हो, इवन पीवाईक्यूज में से भी आपने जो है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करना होगा. अब यहाँ पे बात आती है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी से जो है ना डायरेक्टली समझ नहीं आते. सपोज वी हैव गॉट जेनेटिक्स, वी हैव गॉट यू नो बायोटेक्नोलॉजी, है ना, कोई इकोलॉजी का कोई चैप्टर, कोई यू नो प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, है ना, सेल साइकिल, ऐसे कोई चैप्टर्स जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से समझ नहीं आते. लेकिन इनमें जो है ना आपने क्या करना है, आप लेक्चरर्स के जरिए से जो है ना वीडियो लेक्चरर्स के जरिए से समझ सकते हो. कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपने लेक्चरर्स देखने, लेकिन जो कॉन्टेंट है, जो मटीरियल जो है ना, वो बिल्कुल एनसीईआरटी आपने फॉलो करनी है. आउट ऑफ एनसीईआरटी एक लाइन भी आपने बायो में नहीं पढ़नी है, ठीक है? दिस वॉज अबाउट द बायो. अगर केमिस्ट्री की बात करें कि वी हैव गॉट द फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. अगर मैं यू नो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा, एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली वी हैव गॉट द रिएक्शन पोर्शन, रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स, और जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स इस टाइम पे जो हमारे टाइम पे थे, बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह, इनमें भी बिल्कुल बायो की तरह एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी को आपने फॉलो करना होगा और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, है ना, कोई यू नो सपोज केमिकल बॉन्डिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगी उसको लेक्चर्स देख सकते हो समझने के लिए. लेकिन सिर्फ मटेरियल जो है, कंटेंट जो है, डाटा जो है, वो सिर्फ आप एनसीईआरटी का याद रखोगे और सिर्फ एंड सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री और जीओसी और फिजिक्स, देखो ये जो तीन चीजें हैं ना, यहाँ पे आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं करोगे या डायरेक्टली एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें दे आर एक्सक्लूसिवली कॉन्सेप्चुअल. फिजिक्स में जो ना आपने लेक्चर्स देखने हैं, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड जीओसी, आपने अपनी नोटबुक को एक्सक्लूसिवली फॉलो करना है. नोटबुक जरिए से आप लेक्चर्स देखोगे, आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, है ना. अब एनसीईआरटी की बात आएगी. सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ना, फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे इट वाज सॉलिड स्टेट, यू नो रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, या कोई भी सपोज सरफेस केमिस्ट्री, कोई भी थ्योरी बेस्ड टॉपिक या चैप्टर जो होगा उसको आपने एनसीईआरटी भी जरूरी पढ़नी है, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है? अब जीओसी में यू नो वी हैव गॉट lot of topics, we have got isomerism, we have got you know types of organic reactions, we have got nomenclature, we have got electron displacement effects. तो एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया है उसमें, ठीक है? आप नोटबुक भी देखोगे जीओसी में और एनसीईआरटी भी अच्छे से करोगे उसमें, ठीक है? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा ना वो तो एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वो आपको समझ वहाँ पे नहीं आएगा, राइट? सो दिस वॉज अबाउट फिजिकल एंड जीओसी. अब रही बात फिजिक्स में, फिजिक्स में आपने एनसीईआरटी यू नो अगर कोई थ्योरी बेस्ड सपोज सेमीकंडक्टर जो है ना, थ्योरी बेस्ड टॉपिक उसमें कोई है, उसको आप कर लेना एनसीईआरटी से. यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसको आप कर सकते हो आसानी के साथ. वो हमारे पास वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कर सकते हो, है ना. और इसी तरीके से सपोज कोई ग्राफ होता है, ग्राफिकल क्वेश्चन फिजिक्स में आता है ना, वो भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा जाता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, है ना. सो दिस वॉज अबाउट एनसीईआरटी. अब और एक पॉइंट एक्स्ट्रा रह रहा है रिगार्डिंग यू नो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हमने करने हैं, ठीक है? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपने एंटायर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करने हैं. केमिस्ट्री में चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, और फिजिक्स में भी यू नो आपने बिल्कुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, सॉल्यूशन उनका देखना है. अब यहां पे बात आ रही है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यू नो पर्टिकुलरली जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स में आप देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में आप करोगे, यू नो ये है ना मोल कॉन्सेप्ट,
जो पहला चैप्टर है 11th की सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लोगे, क्योंकि अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना लास्ट 5-6 सालों में, तो जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली जो है ना इन चैप्टर्स के एक्सरसाइज से पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स में भी अगर आपको टाइम मिले, अगर सपोज इफ़ यू आर ड्रॉपर, इफ़ यू आर यू नो मतलब अगर आपने ड्रॉप लिया है या फ्रेशर हो, ठीक है, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना, तो आप डायरेक्टली फिर इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस कर सकते हो। हाँ, अगर आप ग्रेड 11th में हो, ग्रेड 12th में हो, तो आप जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, थ्योरी को भी कवर कर सकते हो, इन टेक्स्ट को भी। लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको बोलूँगा कि इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दोनों पोर्शंस में करना, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इनऑर्गेनिक में, और फिजिकल केमिस्ट्री में ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। और मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स में बोला है कि अब आपने क्या करना है, अब स्ट्रिक्टली जो है ना इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिलूजन नहीं रहना चाहिए कि मैं वो करूँ, मैं ये करूँ, है ना। दिस इज यू नो आप देखोगे ना नीट के PYQs, आपको वहाँ से भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस वॉज ऑल अबाउट कि स्टडी मटेरियल हमने कौन सा फॉलो करना है, एंड देयर शुड बी नथिंग आउट ऑफ NCERT, स्पेशली इन द बायो, स्पेशली इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट।